हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉमकॉम। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर बच्चा रात को रोता रहता है और सोता नहीं है पूरी रात, तो क्या करना चाहिए। सिर्फ एक काम करना चाहिए। उससे पहले बता दूं कि जो बच्चा 0 से 3 मंथ का है, वो पूरे दिन में 18 से 20 घंटे सोता है, यानी कि दिन और रात को मिलाकर। और जो 3 से 6 महीने का है, वो 16 से 18 घंटे सोता है। इस टाइम जो बच्चा 3 से 6 मंथ का है, वो दिन में 3 बार नींद और लेता है और रात को सोता है। लेकिन उसे रात को बार बार उठना होता है, क्योंकि वो उसको भूख लगती है, यानी कि वो दूध के लिए ज़रूर जागेगा। इसके अलावा ये जान लें कि क्यों बच्चा रात को उठता है या फिर सोता नहीं है। सबसे फर्स्ट रीज़न होता है कि अगर बच्चे को दूध प्रॉपर नहीं मिल रहा, यानी कि अगर बच्चा भूखा है तो नहीं सोएगा। कुछ बच्चे भूखे नहीं भी होते फिर भी नहीं सोते, तो उनके पीछे कारण ये होता है कि बच्चा अगर टीथ निकाल रहा है, यानी कि बच्चा अपने दांत निकाल रहा है, तो उसको इचिंग फील होती है तो नहीं सो पाता, या फिर पेट में गैस होने के कारण बच्चा नहीं सो पाता, या फिर कपड़े कंफर्ट नहीं डाले होते उसने, डायपर चेंज नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये तो कारण हो गए। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले रात को सुलाते टाइम बच्चे की हमेशा मालिश करें, समर में तो स्पेशली मालिश करें। इसके अलावा बच्चे को बाथ ज़रूर करवाएं, ताकि बच्चा फ्रेश होकर सोए। कपड़े चेंज ज़रूर करें। इसके अलावा लाइट को बंद करके ही सुलाएं। शुरू से ही बच्चे को आदत डालिए कि बच्चा बंद लाइट में ही सोए। इसके अलावा बच्चे को जब भूख लगती है और बीच बीच में से जागता है, जब वो हल्का फुल्का हिलता है, तभी आप उसे दूध पिला दीजिए, ताकि वो अच्छे से नहीं जागे। अगर आपने वो 3 या 4 मिनट जो होते हैं बच्चा हिलता है, वो मिस कर दिए, तो उसके बाद बच्चा अच्छे से जाग जाएगा और रोएगा। इसीलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अब मैं आपको वो एक चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपको ज़रूर करनी है, वो है आपने जायफल लेना है और उसे रगड़ लेना है किसी भी सिलबट्टे पर। जब आप सिलबट्टे पर पानी डालकर जायफल को रगड़ेंगे, तो वो बहुत अच्छे से एक पेस्ट टाइप में बन जाएगा। इसे आप बच्चे के माथे पर लगा दीजिए, ये बच्चे को ठंडक देगा और आराम से बच्चा सो जाएगा। सोने के लिए आप बच्चे को लोरी का यूज़ ज़रूर करें, यानी कुछ ना कुछ गुनगुनाएं ज़रूर, ताकि बच्चा आराम से सो सके। ये बहुत आसान सा तरीका है, बहुत मुश्किल नहीं है बच्चे को सुलाना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।